नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर ये जो मैं लाइनें हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूं और आपको दिखाता हूं कि भाई ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको एंट्री लेनी है इसके बाद, या फिर ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर ये लाइनें मैं कैसे ड्रॉ करता हूं, ये सारी डिटेल आपको आज बताऊंगा। बट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं गाइस। या तो सबसे पहले आपको स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता होने चाहिए, ठीक है, या फिर उसकी डेली की आईवी जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए स्टॉक की कितनी है गाइस। दूसरी चीज, इंट्राडे में जो आप ट्रेड करोगे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ही आप ट्रेड करोगे। आप लोग इसके अलावा अगर ट्रेड करना चाहते हैं और ये जो जोन बना के काम करना चाहते हैं तो शायद वहां पे ये आपको सपोर्ट ना करे। तीसरी चीज गाइज, जो मैं आपको सिखाऊंगा आज की वीडियो में ये लाइनें ड्रॉ करना, हो सकता है अगर आप मुझे किसी और ट्रेडर के साथ कंपेयर करें तो वो अपने हिसाब से ड्रॉ करता हो, तो आप प्लीज मुझे उसके साथ कंपेयर ना करिए, क्योंकि मैं अपनी स्टडी को फॉलो करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे को सही लगता है, राइट डिसीजन लगता है कि हाँ ये बेटर है, मैं उसको फॉलो करता हूं और मुझे उसके अंदर प्रॉफिट होता है। गाइस अगर आप अपने रूल बनाएंगे नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर आपके अपने रूल होने चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप सीखिए सबसे, आप सबसे इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन रूल थोड़े अपने बनाकर चलिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको रूल बता दिए। सबसे पहले डेली की आईवी कैसे चेक करते हैं, ये आपके मन में सवाल आएगा, तो गाइस इसके लिए आप कोई भी शेयर समझ लीजिए। जैसे मैं टेक महिंद्रा की ही आज बात कर रहा हूं, तो टेक महिंद्रा का सबसे पहले तो आप लोग सर्च करेंगे टेक महिंद्रा शेयर, एनएससी की वेबसाइट पे आपको जाना है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डेली आईवी कैसे चेक करते हैं, देखिए ये आई एनएससी की वेबसाइट, यहां पे आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन होने दीजिए। गाइस जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी आपको यहां पे जाना है गेट डेरिवेटिव क्योट। गाइस जब ये वाला पेज ओपन हो जाए, याद रखिए अगर ये वाला पेज ओपन नहीं होता है तो मतलब वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक कौन से फ्यूचर्स में है वो नहीं पता, तो गाइस मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी मेरी वॉच लिस्ट की, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस जब आप यहां पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहां पे डेली की जो इसकी आईवी होगी, वॉलिटी होगी, वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4.19 यानी कि ये एक दिन में तकरीबन 4% का मूव दे सकता है टोटल, ठीक है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, आपको मैक्सिमम आप ये लेके चलिए, कोई बिना न्यूज या वैसा कुछ कीजिए तो आप कह सकते हो कि एक दिन के अंदर आप इसमें 4% का मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लाइनें ड्रॉ करनी है, कोशिश करनी है कि आपको 4% के मूव के अंदर अंदर मिल जाए जितनी लाइनें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। क्या रहेंगी, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी 4% के मूव के साथ। अब देखो ये है टेक महिंद्रा का स्टॉक, तो टेक महिंद्रा क्लोज हुआ है 517 रुपए पे। तो गाइस इसकी जो एम्प्लॉयड कह लीजिए या वॉलिटी कह लीजिए एक दिन की, वो 4.19 है, तो मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई 4.19 कर देता हूं और डिवाइड बाय 100 कर देता हूं। तो गाइज ये एक दिन में कल के लिए जो मूवमेंट आपको दे देगा वो 21 रुपए कुछ की दे देगा, तो प्लस 518.45, यानी कि अपसाइड ये 540 तक चला जाएगा और डाउनसाइड कितना चला जाएगा, 518.45 माइनस 21.6, तो नीचे की तरफ ये आपको 496.85 तक देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि इस लेवल के अगर आप नीचे शॉर्ट करते हो तो बड़े रेयर चांसेस होंगे, बड़े कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हमको इस लेवल 496.85 के ऊपर शॉर्ट करना है और 540 के नीचे ही हमको बाय करना है, हम यही लेवल लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज पहले नोट होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए स्टॉक कितनी मूवमेंट कर रहा है, ताकि कल जब आप ट्रेड करें कम से कम आपको ये भी पता हो कि जहां पे मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं क्या कल लेवल वो आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज ये कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता होना चाहिए। गाइस जिनको नहीं पता ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे निकालते हैं, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट बेसिक टू हीरो, आप इसके अंदर जाइएगा। इसके अंदर जब आप जाएंगे गाइस
तो आप जो पहली प्लेलिस्ट है, सॉरी पहली हमारी जो वीडियो है, देखिए पावरफुल, तीसरी वाली जो वीडियो है चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की, मोस्ट पावरफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक्सेल शीट के अंदर कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ इसमें समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं, थोड़े से ध्यान रखिएगा। जब ये चीज गाइज हो गई, फिर उसके बाद ये लाइनें आपको ड्रॉ करना शुरू कर देनी है। आपको मैं प्रेफर करता हूं कि कोशिश करो आप लोग जो लाइनें हैं वो वन डे के बेसिस पे ड्रॉ करो। कौन से बेसिस पे? वन डे के बेसिस पे। आप देखते हो ना मुझे वन मिनट के, तो गाइस मैंने जो लाइनें ड्रॉ की होती हैं सबसे पहले वन डे के बेसिस पे ड्रॉ की होती हैं, उसके बाद अगर मुझे वन आवर में कुछ दिखता है तो फिर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो अभी समझ लो ये है इंफोसिस, इसको छोड़ देते हैं, टेक महिंद्रा में आ जाते हैं। चलिए ये रहा टेक महिंद्रा का स्टॉक, ठीक है, ये रहा। अब सबसे पहले आपको लाइन का नहीं पता चलेगा, तो देखो यहां पे अगर आप इन्वेस्टिंग पे करते हो तो जो लाइन है वो है यहां से, ये हॉरिजेंटल लाइन आप देख रहे हो, इसका शॉर्टकट है Alt प्लस H अगर आप कीबोर्ड से हो तो, अदरवाइज यहां पे सिलेक्ट करके आप किसी भी पॉइंट पे रखोगे तो ये जुड़ जाएगी, ठीक है, अपने आप सीधी की सीधी। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे करते हैं तो गाइस यहां पे भी सेम पैटर्न है, हॉरिजेंटल Alt प्लस H, तो ये भी बात बन जाती है इस तरह से, ठीक है। और अगर आप Zerodha का ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये वाला शॉर्टकट आप Alt H से कर सकते हो, ठीक है, ये इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसीलिए ये चीज आपको समझ आ गई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब बात करते हैं ड्रॉ कैसे करनी है लाइनें। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि इसकी मूवमेंट कितनी है 40 तक, तो सबसे पहले हम 40 के करीब करीब सपोर्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो 40 का जो प्राइस है गाइस यहां पे है कहीं, तो देखो ये जो एक लाइन है, या तो इसका ओपन ये वाला प्राइस ले लो या फिर ये वाला प्राइस ले लो, यानी कि जहां पे कैंडल विक खत्म हो जाती है, विक शुरू होती है, आपको वो वाला प्राइस नहीं लेना, ये विक नहीं लेनी है, ये वाली विक समझ रहे हो, हमको ये माइनस कर देनी है, ये भी माइनस कर देनी है, हमको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, या तो यहां से ले लो या तो यहां से ले लो, ठीक है, समझ गए। चलो अभी मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे रखता हूं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। आपने यहां पे ड्रॉ कर दी गाइज, जब आप एक बार ड्रॉ कर दोगे तो पीछे देखना है कि क्या कहीं और ये लाइन कहीं पे टच हो रही है, कहीं भी एक रुपए की मूवमेंट के साथ आप देखोगे ये टच हुई है, कहां टच हुई है, यहां पे, लेकिन कंप्लीट टच नहीं हुई है। उसके बाद देखोगे यहां पे भी कंप्लीट टच नहीं हुई है, कंप्लीट मतलब ये एक भी कैंडल के साथ जुड़ नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे यहां पे। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये यहां पे भी जुड़ गई, उसके बाद यहां पे भी जुड़ गई, ठीक है, दो के साथ जुड़ गई, यानी कि मिनिमम अगर दो के साथ जुड़ रही है तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये वेल है, ये कल के लिए वर्क कर सकती है या उसके बाद भी वर्क कर सकती है। गाइस जिस तरह से हम एक क्या करते हैं, जिस तरह से हम एक जो हमारी एक्सटेंडेड वाली लाइन होती है, हम दो पॉइंट से जोड़ते हैं ना, समझ लो एक यहां जोड़ी, दूसरी हम यहां जोड़ते हैं तो वो अपने आप बन जाती है, उसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हम इस लेवल, याद रखना हम इस विक को नहीं लेते हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए, इस विक को हमने नहीं लेना है। तो ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं, मैं कुछ और लाइनें आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्टॉक गिरा कहां से था, चढ़ा कहां से था। तो गाइस नीचे की तरफ 496 है, तो आप देखोगे यहां पे ये वाली कैंडल, देखो मैं इसके साथ जोड़ता हूं, एक बार ट्राई करता हूं जोड़ने की, ये जुड़ गई। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि यहां पे ये जुड़ रही है, उसके बाद यहां जुड़ रही है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, इसको हम थोड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, यहां पे लेके आते हैं गाइस। तो यहां पे अगर देखोगे तब भी इतनी वैलिड नहीं हो रही है, हम थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं यहां पे, तो गाइस क्या यहां पे ये वैलिड हो रही है? जी हां, आप देखो ध्यान से, यहां पे टच हो गई, यहां टच हो गई, और तकरीबन अगर आप नोटिस करोगे तो गाइस यहां पे भी ये टच होने ही वाली है, इतना फर्क नहीं है, मिनिमम दो, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ आपको 503 मिल गया, अब हमको 496 तक ढूंढना है, तो हम एक काम करेंगे, हमको दो नहीं मिलती हैं तो कम से कम हम जो एक एक लाइन होगी वो ड्रॉ कर देंगे, समझ लो यहां हमने ड्रॉ कर दी, तो गाइस उसके बाद हमने यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको एक आइडिया मिल जाएगा यहां पे।
लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होते हैं। आप देखोगे यहां पे एक तो जुड़ गई, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, बट मैंने जब यहां पे जोड़ी है गाइस, तो ये दो लाइनें यहां पे दो कैंडल्स को टच कर रहा है, मतलब ये वाली सपोर्ट वैलिड हो गई। ठीक है, तो अभी मेरे पास नीचे का लेवल भी मिल गया, ऊपर साइड का लेवल भी मिल गया, अब बीच में बस शुरू हो जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो मैं यहां पे फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या देखा, मैंने ये वाली लाइन को देखा, तो देखो यहां भी जुड़ गई, यहां भी जुड़ गई, बन गई ना बात। इसी तरह से बस आपको जोड़ना है, फिर उसके बाद एक चीज और करनी है, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, उस चीज को समझिएगा, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये दो लाइनें जो जोड़ते हो और उसके बाद ये जो गैप आपको दिखता है, ये काफी अच्छा होता है, ठीक है, इसको समझना। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो एक एक कैंडल है इसको भी जोड़ना है। देखो अभी मैं इसको जोड़ता हूं यहां पे, ये यहां जोड़ दिया मैंने इसको देखकर। उसके बाद गाइस इसके आसपास मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जोड़ देता हूं इसको, यहां पे इस तरह से। उसके बाद देखो यहां पे ये वाली जो लाइन है, इसके मैं कैंडल जो क्लोज हुई है यहां पे जोड़ देता हूं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपको यहां पे कुछ दिख रहा है, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये है, लेकिन यहां पे देखो है ना, इसके बीच में ये वाली चीज देखो, ये और ये इसके बीच में, तो कहीं मैं एक लाइन यहां भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये तकरीबन आप देखोगे कि हर कैंडल हमारी कवर हो गई है, सारा कुछ हो गया है। ऊपर की तरफ अगर आपको और जोड़ना है तो कुछ मत करो, किसी भी एक कैंडल की विक ले लो, या फिर ये वाला प्राइस, आप विक ले सकते हो लेकिन क्लोजिंग प्राइस के पास होनी चाहिए या फिर हाई के पास होनी चाहिए। जैसे ये थी, ये इसका हाई था, तो ये दो बन गई ना, यहां से भी जुड़ गई, तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होगी गाइज। उसके बाद देखो यहां पे आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे एक लाइन, और उसके बाद देखो ये सिंगल लाइन जुड़ी है, लेकिन उसके बाद आपको उसके इर्द गिर्द वाली लाइन जो है वो भी जोड़ देनी है, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। यानी कि इसके बीच में हम ट्रेड नहीं कर सकते, या तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे या तो इसके नीचे ट्रेड करेंगे। तो ये बन गए हमारे कुछ लेवल्स। अब थोड़ा और नीचे आते हैं गाइस, हमको यहां पे भी एक ये दिख रही है, अब इसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जोड़ने की। तो आप देखोगे यहां पे भी जुड़ गई, तकरीबन यहां पे भी जुड़ गई गाइस। एक रुपए की मूवमेंट, 50 पैसे की मूवमेंट इतनी मैटर नहीं करती। देखो मैंने यहां जोड़ा, उसके बाद ये यहां पे ऑटोमेटिक जुड़ चुकी है, तो दो मेरी जुड़ गई है। तो आपको कोई भी ऐसा लेवल छोड़ना नहीं है जिसमें दो विक्स जुड़ रही हो, दो कैंडल जुड़ रही हो। उसके बाद कुछ मत करो, 1 मिनट के ऊपर ले आओ इसको आराम से, और यहां से कुछ ऐसा कर लो, देखो इस तरह से ऐसे कर लो, आराम से आपको देखो बड़े बड़े लेवल्स मिलेंगे। अगर ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर गया, आपको यहां तक टारगेट मिल जाएगा, और ये जो तीन बनी है, मतलब इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये इतना लेवल सही नहीं है, हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। आपको देखना है कि कम से कम 4-5 रुपए 3 रुपए का गैप मिल रहा है, तभी ट्रेड करना है। अब देखो इसके बाद ये वाला जोन कितना अच्छा है, यहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा और, तो देखो ये जो जोन है आप देख रहे हो यहां पे, ये जो लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। 539 से आप देखोगे डायरेक्ट 559 का लेवल आपको यहां पे मिल रहा है। अब आपने देखो 539 से 559 का लेवल देखा, ये इतना बड़ा लेवल है, नोटिस करना यहां पे मैं बताता हूं, 559 माइनस 539, तो गाइस ये आपको 20 रुपए की यहां पे एक मूवमेंट दे रहा है। तो इतना बड़ा लेवल तो कोई लेगा नहीं, मतलब आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करोगे, थोड़ा पीछे जाओगे और क्या करोगे, यहां पे चलते हैं हम पीछे। देखो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, जब आपको कोई लेवल बड़ा मिलता है तो गाइस आपको उस लेवल को चेक करना है कि क्या वो वाकई में लेवल सही है या नहीं। अब ये जो लेवल बड़ा हुआ था यहां पे, आप थोड़ा पीछे गए तो देखो यहां पे आपको एक लेवल मिला ये वाला 1 मिनट के बेसिस। तो एक काम करो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, यहां से सपोर्ट है, ये नॉर्मल सा आपने देखना है, फिर 1 मिनट के ऊपर आपको थोड़ा सा जूम करके देख लेना है, ज्यादा परेशान नहीं होना यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां से ये स्टॉक गिरा था, आराम से एक छोटी सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो, उसके बाद ये यहां पे था, यहां ड्रॉ कर दो, तो आपकी इसके बीच में भी एक जोन जो है गाइस वो आपके लिए बन गया, ठीक है। अब आप चले जाओ अपने लेवल पे और चलते हैं आगे हम, देखिए यहां पे आते हैं वापस, ये हो गया। तो अब देखो आपका वो जो जोन था वो भी कवर हो गया, मतलब आप बैक जाके उस लेवल पे पहुंच के कर सकते हो। तो गाइस हमको अब यहां पे भी 3 लेवल मिल गए,
532 का लेवल मिला, 535 का लेवल मिल गया, उसके बाद 536 का लेवल मिल गया, 539 का लेवल मिल गया। मतलब ये जो जोन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, जैसे ही इसके ऊपर 29 के ऊपर निकले, आप ये वाला टारगेट लीजिए, उसके बाद ये टारगेट लीजिए, फिर ये टारगेट लीजिए, फिर ये टारगेट लीजिए, तो इस तरह से आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। मतलब इन जोन्स पे आपको सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिखेगा और बाइंग प्रेशर भी नहीं दिखेगा, यानी कि स्टॉक इसको आराम से क्रॉस करके नीचे आ सकता है, स्टॉक इसको आराम से तोड़ के नीचे भी जा सकता है। बट ये जो बड़ा वाला गैप होता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी स्टॉक इसके बाहर निकलता है तो आपको अच्छे टारगेट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टारगेट, ये बड़े टारगेट, जैसे ये वाला बड़ा टारगेट आपको मिला, देखो इसमें 539.73 है, 36, 3-4 रुपए की मूवमेंट, इतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो बड़े जोन बनेंगे उसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, और जो छोटे जोन बनते हैं उसके अंदर हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। देखिए ऊपर वाला लेवल मैंने फिर कवर नहीं किया, हमको कवर नहीं मिला, हम क्या करते हैं थोड़ा पीछे चले जाते हैं। देखो यहां पे एक सपोर्ट बनी थी तो हम यहां पे एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं गाइज, उसके बाद ये यहां पे कुछ देर ट्रेड किया था, हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके बीच में आपने देखा था एकदम से ऊपर चला गया, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की। तो यानी कि देखो अभी जो हमको ये छोटा सा एक जोन मिल रहा था, हमने जो अभी देखा कि भैया 539, यानी कि 539 के बाद एक बड़ी मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है 548 की, उसके बाद फिर 550 तक छोटी मूवमेंट होगी, और उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट हमको 559 की मिल सकती है। तो इस तरह से आप जोन जो है वो कवर कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी पता नहीं चलता है तो गाइस आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरा लेवल कहीं गलत है तो आप क्या करोगे, एक इंडिकेटर यूज करोगे, पीवीएट पॉइंट, कौन सा, पीवीएट स्टैंडर्ड पॉइंट, इसको यूज करो और देखो कहीं आपकी लाइनें, देखो अभी जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं गाइस, इसको ध्यान से देखिए, हम इसको मैच करते हैं। देखो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये बिल्कुल इसके साथ फॉलो कर रही है, मतलब ये लेवल बिल्कुल सही हमने निकाला है गाइस। उसके बाद ये भी इसके आसपास है, ये भी लेवल बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे ये है और ये यहां पे इसके आसपास है, मतलब ये भी लेवल कहीं ना कहीं सही है गाइस। उसके बाद देखिए हमने ये जो दो लाइनें ड्रॉ की हैं, ये सपोर्ट थी तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको जो लगता है लाइन थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर है, जो आपको 50% से ज्यादा लाइन दूर दिखती है उसको डिलीट कर दो, उसको फॉलो ही मत करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आप ये वाली लाइनें देखोगे, ये इसके साथ जुड़ रही है, ये वाली लाइन नहीं ज्यादा ऊपर की तरफ है ना ही ज्यादा नीचे की तरफ है, आप इसको डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई लेवल थोड़ा बड़ा हो रहा है, वैसा कर सकते हो। आपको लगता है ये लाइन थोड़ी छोटी करनी है, यहां पे लानी है, तो आप इसको यहां ला सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है अपने लेवल पे, ठीक है। तो देखोगे कि हमारे लेवल तकरीबन उसके साथ मैच हो रहे हैं, ये इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ कोई लेवल मैच नहीं हो रहा। आप एक काम करो, यहां पे खुद बना दो एक लाइन, ऐसे कर दो, अगर आपको अपने लेवल पे भरोसा नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको ये पता चले कैसे कि सेलिंग कहां है, बाइंग कहां है। तो गाइज आपको देखना है कि स्टॉक गिरता कहां से है, जैसे कि ये वाला लेवल है, अब आपको पता है यहां से स्टॉक गिरा था, तो आप क्या करोगे, यहां पे इसको रेड लाइन ड्रॉ कर दोगे। आपको देखो यहां से पता चल रहा है स्टॉक कहां से ऊपर गया था गाइज, ये वाले स्टॉक से स्टॉक ने काफी मूवमेंट अच्छी दी थी, तो आप यहां पे एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा, ये जैसे जैसे आप गाइज रोज डेली बेसिस पे ड्रॉ करेंगे लाइनें, आपको अच्छी एक्यूरेसी जो है वो अपने आप देखने को मिलेगी, आपकी एबिलिटी जो है वो और इंक्रीज होती जाएगी, ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लो ये है रेजिस्टेंस वगैरह जोन के आपके लेवल, तकरीबन जो 50% से ज्यादा इसके आर पार दिखता है वो आपको ट्रेड ही नहीं करना है, मतलब वहां पे आपको वर्क ही नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। हमने कल के लिए लेवल निकाले हैं, तो गाइस कल के लिए लेवल देखो बिल्कुल हमारा इसके साथ मैच हुआ, यहां पे ये देखोगे तो इसके साथ मैच हुआ, यानी कि वन डे के बेसिस पे हमारे लेवल बिल्कुल मैच हो रहे हैं। अब जो हमने उससे ज्यादा वाले बनाए वो कम मैच हो रहे हैं, तो क्योंकि वो अगले दिन के है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो गाइस अगर आपको समझ आई है मेरी इस वीडियो की और आप चाहते हो मेरी मेहनत की थोड़ी सी भी कदर मुझे मिले, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो चीज आपको समझ नहीं आई वो कमेंट करना, और प्लीज इस वीडियो को दूसरों के साथ कंपेयर मत करना। मैं
अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि दूसरे लोग भी इसको इस तरह से फॉलो करते हो। एक चीज और बता दूं, अगर आपको कैंडल के अंदर तब भी समझ नहीं आ रहा तो गाइस आप लाइन चार्ट जो होता है इसको आप यूज कर सकते हो, ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। किस तरह से हेल्प करेगा एक मिनट मैं बता देता हूं। ये बिल्कुल सिंपल होता है, ये आपको ज्यादा हेल्प कर सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको कैंडल वाला चार्ट या उसमें नॉइस बहुत ज्यादा है तो वो चीज है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। किस तरह से यूज करोगे चलो मैं बताता हूं, वेट करो। ठीक है, समझ लो ये वाला जोन है, यहां से गिरा था तो कुछ मत करो, यहां एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये सेल जोन हो गया गाइस। उसके बाद यहां से गिरा था यहां ड्रॉ कर दो, उसके बाद ये यहां से गिरा था यहां ड्रॉ कर दो, यहां से गिरा था यहां ड्रॉ कर दो, यहां से ये ऊपर गया था यहां ड्रॉ कर दो, इसके बाद ये यहां से ऊपर गया था यहां ड्रॉ कर दो, यहां से ऊपर गया था ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये भी एक कट द नॉइस जो है आपका चार्ट पैटर्न कर देता है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस चैनल को आगे जरूर लेके जाइए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, आप और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी फिर बता देना, बार बार यही चीज बोल रहा हूं।